तो इस वीडियो हम जानेंगे प्रिपेयर स्टेटमेंट इंटरफेस के बारे में। बेसिकली प्रिपेयर स्टेटमेंट इंटरफेस जो होता है वो सब इंटरफेस होता है स्टेटमेंट इंटरफेस का। इसका भी हम यूज करते हैं पैरामीटराइज क्वेरी को एग्जीक्यूट करने के लिए। ओके, तो प्रिपेयर स्टेटमेंट के का हमें यूज़ करने से एडवांटेज होता है कि हमारा एप्लीकेशन जो परफॉर्मेंस होता है वो इंक्रीज हो जाता है। जिस तरह से हम स्टेटमेंट इंटरफेस के साथ डाटा को इंसर्ट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं और भी बहुत सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, उसी तरह से हम प्रिपेयर स्टेटमेंट इंटरफेस के साथ भी इन सभी ऑपरेशनों को परफॉर्म कर सकते हैं। बट प्रिपेयर स्टेटमेंट इंटरफेस के साथ करने से हमारा एप्लीकेशन जो परफॉर्मेंस होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। तो हम अपकमिंग वीडियो में भी जानेंगे और इस वीडियो में जानेंगे कि डाटा को हम कैसे इंसर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रिपेयर स्टेटमेंट इंटरफेस और डिलीट कैसे कर सकते हैं, आने वाले सभी अपकमिंग वीडियो में देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले अपने MySQL पे चलते हैं और वहां से हम एक डाटाबेस को क्रिएट करते हैं और एक टेबल को क्रिएट करते हैं और फिर हम डाटा को कैसे इंसर्ट करेंगे प्रिपेयर स्टेटमेंट की हेल्प से, ये देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले हमें लॉगिन होते हैं अपने MySQL डेटाबेस में और यहाँ से क्रिएट करते हैं डेटाबेस। तो सिंपली हम सिंटेक्स लिखेंगे क्रिएट डेटाबेस। ओके, और अपना डेटाबेस नाम देते हैं DB। देखिए जी, वन रो इफेक्टेड हो गया, हमारा डेटाबेस क्रिएट हो गया। इस डेटाबेस को यूज करने के लिए लिखेंगे यूज DB और सेमी कोलन। अब हम टेबल को क्रिएट करेंगे तो हम लिखेंगे क्रिएट टेबल और हम टेबल का जो नेम देंगे वो देखिए क्या रहेगा, नेम। तो हमारा नेम यहाँ रहेगा रिकॉर्ड। ओके, टेबल नेम रिकॉर्ड रहेगा। अब इसमें जो वेरिएबल होंगे, पहला होगा ID, तो ID हमारा इंटीजर टाइप रहेगा जिसकी हम साइज दे देते हैं 10 कॉमा, यहाँ पे हम नेम दे देते हैं और नेम जो हमारा डाटा टाइप रहेगा वो बेयर कैट टाइप रहेगा और इसकी हम साइज दे देते हैं 200 कॉमा और हम एक थर्ड रो लेते हैं, पिन लेते हैं। ओके, तो जो पिन होगा ये भी हमारा इंटीजर टाइप होगा इसलिए यहाँ पे इंडेट डेटा टाइप और जो पिन साइज होगा वो 6 दे देते हैं। ओके, और इस तरह से हम सिंटेक्स को क्लोज करते हैं। जैसे ही एंटर बटन प्रेस करेंगे देखिए 0 रो इफेक्टेड हमारा यहाँ पे आ गया। तो इस तरह से हमारा टेबल क्रिएट हो गया। अगर हमें टेबल की स्ट्रक्चर देखना है तो इसके लिए हम सिंपली सिंटेक्स लिखते हैं डेस्क और अपना टेबल नेम यहाँ पर करेंगे रिकॉर्ड। ओके, रिकॉर्ड। तो देखिए किस तरह से हमारा टेबल का स्ट्रक्चर, जो फील्ड है आईडी नेम पिन रहेगा जबकि टाइप उसका ये है। ओके, तो हम चलते हैं अपने अब यहाँ से नेटविंस आईडी पर और वहाँ से इसकी हेल्प से हम कैसे डाटा को इंसर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रिपेयर स्टेटमेंट इंटरफेस की हेल्प से। ओके, तो हम अपने नेटविंस आईडी पे आते हैं और सबसे पहले हम एक पैकेज जो इम्पोर्ट किया वो पैकेज आपको दिखाते हैं। इम्पोर्ट java.sql.stk इस पैकेज को हमने इंपोर्ट किया है यहाँ पे। इसी पैकेज के अंदर JDBC के जितने भी क्लासेस और इंटरफेस होते हैं वो डिफाइन होते हैं। ओके, तो यहाँ पर एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए हम एक ट्राई कैच ब्लॉक को सबसे पहले क्रिएट करते हैं ट्राई। ओके, और इसके बाद हम एक कैच ब्लॉक को क्रिएट करते हैं और इसमें हम सिंपली एक्सेप्शन को पास कर देते हैं। ओके, तो जिससे कि जितने सारे एक्सेप्शन होंगे वो हैंडल हो जाएंगे इसी में। ओके, e.printStackTrace की हेल्प से हम ऐसा कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर सबसे पहले आते हैं हम ड्राइवर को लोड करते हैं। ड्राइवर को लोड करने के लिए हम सबसे सिंपली लिखते हैं class.forName। ओके, जो इसमें पैरामीटर पास करते होते हैं com.mysql.jdbc.driver। ड्राइवर को जो डी यहाँ रहेगा वो कैपिटल रहेगा और सेमी कॉलन से इसे क्लोज करते हैं। अगेन यहाँ पर हम कनेक्शन को क्रिएट करते हैं कनेक्शन, इसकी जो ऑब्जेक्ट रहेगा कौन इक्वल टू ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन। जो इसमें पैरामीटर पास करेंगे वो कुछ इस टाइप से रहेगा JDBC:MySQL:\local_host:, जो पोर्ट नंबर रहेगा 3306 /singles और यहाँ पर सिंपली जो हमारा डाटाबेस नेम क्या रहेगा DB जो कि हमने रिसेंटली क्रिएट किया है और जो हमारा MySQL की जो यूजर नेम है वो है हमारा रूट एंड यहाँ पे जो हमारा पासवर्ड होगा वो भी रूट ही है। ओके, हमारे केस में, और इसको हम सेमी कॉलन से क्लोज करेंगे। ओके, तो हम यहाँ देखते हैं सबसे पहले कनेक्शन की स्पेलिंग हमने NNN दे दी इसलिए एरर शो करा, अब ये एरर हट गया। ओके, तो इस तरह से हम कनेक्शन को क्रिएट कर दिए। अब हम यहाँ पर प्रिपेयर स्टेटमेंट को क्रिएट करेंगे। तो प्रिपेयर स्टेटमेंट को कैसे क्रिएट करते हैं ये देखिए, प्रिपेयर को यहाँ सिंपली प्रिपेयर। ओके,
प्रिपेयर स्टेटमेंट ओके, और प्रिपेयर का पी कैपिटल रहेगा और स्टेटमेंट का एस कैपिटल रहेगा यहाँ पे ओके तो ये प्रिपेयर स्टेटमेंट हो गया हमारा। और प्रिपेयर स्टेटमेंट को यहाँ पर सिंपली देते हैं पी एस इक्वल टू कौन डॉट प्रिपेयर स्टेटमेंट लिखेंगे ओके कौन डॉट, तो बेसिकली हमारा सजेशन शो नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हम ये देखते हैं। तो यहाँ पर अब हम जो है प्रिपेयर स्टेटमेंट को क्रिएट करेंगे, तो प्रिपेयर स्टेटमेंट को कैसे क्रिएट करेंगे ये आपको हम दिखाते हैं। सिंपली यहाँ पर लिखेंगे प्रिपेयर और कंट्रोल ऑल्ट को हम जैसे कंट्रोल स्पेस को दबाएंगे तो हमारा ये कुछ सजेशन आ जाएगा प्रिपेयर स्टेटमेंट। प्रिपेयर का पी कैपिटल होगा, स्टेटमेंट का एस कैपिटल रहेगा ओके, और जिसकी ऑब्जेक्ट होगा पी एस इक्वल टू कौन डॉट प्रिपेयर स्टेटमेंट को हम यहाँ से सिंपली इंसर्ट कर लेंगे। अब इस तरह से हम इंसर्ट करने के बाद प्रिपेयर स्टेटमेंट में जो हम सिंटेक्स को पास करेंगे ओके, तो MySQL का सिंटेक्स क्या होगा डाटा को एंटर कराने के लिए, तो यहाँ पर सिंपली लिखेंगे इंसर्ट इनटू हमारा टेबल नेम क्या है रिकॉर्ड, तो सिंपली इसमें हम रिकॉर्ड दे देंगे। अब टेबल हमारा फील्ड कितना है ओके इसके बारे में देखते हैं, तो इंसर्ट इनटू रिकॉर्ड और सिंपली यहाँ पर वैल्यू को पास कर देंगे वैल्यूज, अब इसमें एक ब्रैकेट लेंगे और उस ब्रैकेट को क्लोज भी करेंगे और सिंपली यहाँ पर जितने अभी हमारे फील्ड होंगे टेबल्स में तो सिंपली हम दिखाते हैं हमारे फील्ड्स कितने हैं हमारे टेबल्स में। तो बेसिकली देखिए हमारे टेबल में फील्ड है 3 आईडी नेम पिन, ये 3 है तो हमें 3 क्वेश्चन मार्क इसमें पास करेंगे जो कि पैरामीटर वैल्यू होता है ओके, तो सिंपली 3 हम पास करेंगे और इसके बीच में हम कॉमा से इसको सेपरेट कर देंगे और इसे सेमी कॉलन से हम क्लोज करेंगे ओके। अब इसमें हम वैल्यू को सेट करेंगे, जो प्रिपेयर स्टेटमेंट वो हमें कुछ मेथड प्रोवाइड कराता है इंटीजर के लिए अलग और स्ट्रिंग के लिए अलग, तो हमारे केस में पहला जो है फील्ड क्या है वो दिखाते हैं। पहला क्या है आईडी है जो कि इंटीजर टाइप है, और सेकंड क्या है नेम है जो कि एक स्ट्रिंग टाइप है, और थर्ड क्या है पिन वो कि भी इंटीजर टाइप है डाटा ओके। तो हमें पहले के लिए आईडी के लिए डाटा को इंसर्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे प्रिपेयर स्टेटमेंट की ऑब्जेक्ट की हेल्प से, तो पी एस डॉट सेट क्या इंट डाटा टाइप इंट है। अब इसकी जो हम पहले इंडेक्स नंबर डिफाइन करें, इसकी इंडेक्स नंबर क्या है 1 है आईडी का ओके, और यहाँ पर हम दे देते हैं जो भी हमारा आईडी हो 101 दे देते हैं। अगेन यहाँ से हम आते हैं पी एस डॉट सेट जो कि हमारा सेकेंड क्या है स्ट्रिंग डाटा टाइप है नेम के लिए, हमने यहाँ पर स्ट्रिंग ले लिया है। अब हमारा इंडेक्स क्या होगा ये 2 पे नंबर पर होगा। अब हम किसी भी जब स्ट्रिंग को डिफाइन करते हैं तो डबल कोट्स में लिखते हैं ओके, तो यहाँ डबल कोट्स में सिंपली श्याम दे देते हैं और इस तरह से हम अगेन पिन के लिए लिखते हैं पी एस डॉट सेट इंटीजर टाइप ओके, इंटीजर टाइप हमारे तो यहाँ पे थर्ड दे देंगे वैल्यू पास करेंगे और हम जो भी एक पिन हो वो हम पिन यहाँ पे दे देंगे ओके, तो ये हमारा पिन हम दे दिया। अब ये डाटा हमारा क्या होगा सिस्टम में अपलोड करने का या इंसर्ट करने का काम करेगा ये कोड हमारा। अब जबकि हम इस प्रिपेयर स्टेटमेंट सिंपली क्या करते थे उसमें सिंपली ये सिंटेक्स लिखते थे और वैल्यू, और उस वैल्यू को डायरेक्टली हम पुट कर देते थे, बट प्रिपेयर स्टेटमेंट में हम ऐसा नहीं करते हैं, प्रिपेयर स्टेटमेंट इंटरफेस में ऐसा नहीं करते, कुछ इस तरह से हम डाटा को इंसर्ट कराते हैं ओके। तो आप हमारा स्टेटमेंट इंटरफेस का वीडियो देखिए उसमें डाटा कैसे हम इंसर्ट कराए थे और इस वीडियो को देखिए, तो आप दोनों में डिफरेंस करने में कैपेबल हो पाएंगे ओके। अब हम इस जो इसी ऑपरेशन परफॉर्म हो तो इसके लिए हमें एक वैल्यू मिल जाए, इसके लिए हम क्या करेंगे एक इंटीजर टाइप डाटा लेंगे और आई वेरिएबल लेंगे, इसमें लिखेंगे पी एस डॉट एग्जीक्यूट अपडेट मेथड को हम कॉल करेंगे एग्जीक्यूट अपडेट। अब जैसे डाटा अपडेट होगा तो इसमें कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगा ओके, तो वैल्यू 1 हो भी सकता है और कुछ भी हो सकता है बट 0 नहीं होगा। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल लाइन, और हम सिंपली आई को यहाँ से प्रिंट कराते हैं और कनेक्ट करते हैं, डबल कोट्स लेते हैं उसमें स्पेस देते हैं और लिखते हैं रिकॉर्ड इंसर्ट्स रिकॉर्ड इंसर्टेड और सेमीकोलन से क्लोज करते हैं। अब हमने प्रोग्राम को रन करते हैं, देखते हैं कि हमारा रिकॉर्ड इंसर्ट हो पा रहा है कि नहीं ओके, तो रन फाइल पे क्लिक करते हैं और वेट करते हैं कि 1 रिकॉर्ड इंसर्टेड, तो हम अपने MySQL पे चलते हैं वहाँ से देखते हैं कि रिकॉर्ड इंसर्टेड हुआ है कि नहीं हुआ है। तो MySQL पे आते हैं और सिंपली सेलेक्ट एस्टिक फ्रॉम रिकॉर्ड और देखते हैं, देखिए हमारा रिकॉर्ड सक्सेसफुली इंसर्ट हो गया, आईडी में 100
आ गया, हाँ नेम में हमारा नेम आ गया, पिन में पिन आ गया। तो इस तरह से हम प्रिपेयर स्टेटमेंट की हेल्प से भी डाटा को इंसर्ट करा सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो हम ये जानेंगे कैसे हम डाटा को डिलीट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, अपकमिंग वीडियो में प्रिपेयर स्टेटमेंट की हेल्प से।